हे फ्रेंड्स, आज आपको पता है करवा चौथ है और करवा चौथ पे सुहागनें व्रत रखती है और भगवान की पूजा करती है, लक्ष्मी जी की पूजा करती है, चौथ माता की पूजा करती है और गणेश जी की पूजा करती है, चंद्रमा की पूजा होती है, कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है। आज के दिन सुहागनें व्रत रखती है, ये सब सुहागनों का प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती है। तो चलिए करवा चौथ की कहानी हम शुरू करते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए होगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली में ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीन बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुँचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी, झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सूपती हो, सात पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया, पहले पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति की जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तो कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सात बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज़ हुई है, यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर भी कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और वह विलाप करके रोने लगी, हे चौथ माता मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवे। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया, बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता की विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने दो जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वे बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। वह बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया, सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ, सभी को करना चाहिए, तेरे चौथ करनी चाहिए।
हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय।